बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। आंदोलन पर उतरे किसानों को मनाने की तैयारी में अब केंद्र सरकार है। आपको बता दें आज चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों की किसान डेलीगेशन के साथ अहम बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय बैठक लेंगे और शाम 5 बजे सेक्टर 26 में ये बैठक होगी। अब देखिए कल यानी 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच को पूरी तरह से तैयार है, दिल्ली जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों को मनाने की पूरी तैयारी करी है, जहां पर आज शाम को 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में ये अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ये बैठक लेंगे, जिसमें किसान डेलीगेशन के साथ वो चर्चा करेंगे, किसान अपनी जो मांगे हैं उनके सामने रखेंगे और देखते हैं कि इस जो बैठक है, इस बैठक के ऊपर ही कल का जो दिल्ली कूच का आह्वान यहाँ पर किसानों द्वारा किया गया है वो निर्भर करता है। हालांकि आपको बता दें कि देखिए सुरक्षा की दृष्टि से पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, हर तरफ बैरिगेटिंग कर दी गई है, कई हाईवे ऐसे हैं जहां पर बैरिगेटिंग की गई, कंटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोक लिया जाए। चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ आज किसान डेलीगेशन बैठक करने वाली है और देखिए ट्रैफिक व्यवस्था की बात अगर यहाँ पर करें तो उसको लेकर भी जहां एक और एडवाइजरी जारी की गई है, ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बैरिगेटिंग की गई है और उसके बाद यहां पर जो गाड़ियां हैं वो डाइवर्ट होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरसिमरत, देखिये 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर किसान जो है पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं अगर आज की बात करें, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज शाम को चंडीगढ़ में अहम बैठक होने जा रही है केंद्रीय मंत्रियों और किसान डेलीगेशन के बीच में। सबसे पहले तो बैठक के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे हरसिमरत। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल जो शिष्टमंडल जो है एक बार फिर से चंडीगढ़ पहुंच रहा है और यहाँ आकर किसानों से बातचीत करेंगे। पर उससे पहले कि अगर मैं आपको बात बताऊं तो जिस तरह से देखा गया कि किसानों ने 13 फरवरी को कूच का ऐलान किया है तो उसको लेकर के सारी जगह पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जो है वो तैयारियां शुरू की गई हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ भी इसमें शुमार हो गया है। चंडीगढ़ में भी धारा 144 लगा दी गई है और ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। खासतौर पर जो आगे लिंक जा करके अंबाला को मिलता है तो ऐसे में वो वाले रास्ते जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं, बंद भी किए गए हैं। तो चंडीगढ़ प्रशासन भी अपनी जो पूरी ताकत है वो लगा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि धारा 144 यहाँ पर इसलिए भी लगाई गई है, हर तरह के जुलूस निकालने पर और ट्रैक्टर लेकर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। पिछली बार देखा गया था कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो एक सिख किसान नेता जो है उन्होंने सेक्टर 17 के मटका चौक में डेरा डाल दिया था और वहां पर उनके साथ काफी लोग जो है वो जुड़ने शुरू हो गए थे। ऐसे में वहां पर भी पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था, पब्लिक को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में इस बार चंडीगढ़ जो है वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता तो चंडीगढ़ भी इसमें शुमार हो गया है। वहीं अगर मैं केंद्रीय शिष्टमंडल की मैं बात करूं तो पिछली बार जो केंद्रीय नेता यहाँ पर आए थे, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और साथ ही साथ नित्यानंद राय, ये सभी यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। पर एक खास बात इसमें ये रहेगी कि इस बार मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। आपको बताएं कि आज वो रामलला के दर्शन करने के लिए अपने परिवार समेत अयोध्या गए हैं, तो ऐसे में कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, इस मीटिंग का सूत्रधार कौन होगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। जी जी हरसिमरत, साथ ही साथ देखिए 2020 में जो किसानों ने आंदोलन किया था उसका उग्र रूप देखने को मिला था, तो वही इस बार जो है पूरी तरीके से अगर सुरक्षा की बातचीत की जाए, किस तरीके से प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि देखिए जो प्रशासन है या हरियाणा सरकार है वो पूरी तैयारी कर रही है कि किसानों को दिल्ली तक ना पहुंचने दिया जाए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी जिस तरह से पंजाब की बात है तो पंजाब में फिलहाल कोई तैयारी नहीं की गई है। पंजाब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि हम लोग किसानों के साथ हैं। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा की तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर सील किए गए हैं। हमने अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो से भी दिखाया कि किस तरह से सेवन लेयर की जो सुरक्षा है वो की गई है, बैरिगेटिंग की गई है, कंटीली तारें लगाई गई हैं, कीले लगाई गई हैं ताकि कोई आगे ना जा सके। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि कहीं कहीं पर टेम्परेरी जेलें भी बनाई गई हैं कि अगर किसान यहाँ पर कूच करते हैं तो ऐसे में वो तारों के साथ आकर के रुक जाए। और आपको मैं ये चीज भी बता दूं कि किसानों ने कूच करने की तैयारी जो है वो की हुई थी और अब शुरुआत भी कर दी है। अमृतसर से, संगरूर से जो ट्रैक्टर है वो निकल चुके हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि 10,000 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो निकलते हुए आ रही हैं और आज दोपहर शाम तक जो है इन बॉर्डरों तक पहुंचेंगी और मीटिंग जो होगी शाम को 5 बजे जो मीटिंग होगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि इन्होंने आगे बढ़ना है या फिर इनको पहले ही रस्ते में रोक लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए हरसिमरत, किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इसी को देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जाना चाहेंगे प्रमुख मांगे कौन कौन से निकलकर सामने आ रही है किसानों की।
जी बिल्कुल प्रमुख मांगों की अगर बात की जाए तो ये मांगे उस वक्त भी थी जब किसान आंदोलन पहली बार शुरू हुआ था, यानी कि जब दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए थे सिंघू और टिकरी, उस समय भी ये जो मांगे थी उनके ऊपर आश्वासन मिला, तभी किसान वापस आए थे। अब किसान इन मांगों को कमिटमेंट को पूरा करने की बात कर रहे हैं कि आपने मांगे जो थी उनको माना तो है पर उसकी कमिटमेंट हम पूरा करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो एमएसपी की है कि एमएसपी को लेकर के कानून बनाया जाए, और दूसरा स्वामीनाथन रिपोर्ट जिसकी बात हर बार सरकार के द्वारा कही जाती है, केंद्र के द्वारा कही जाती है, उसको लागू भी किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न तो दिया है पर उससे किसानों का पेट नहीं भरेगा, किसानों को उनकी रिपोर्ट जो है वो लागू करके दी जानी चाहिए। साथ ही साथ लखीमपुर खीरी में जो पीड़ित है उनको 10 लाख रुपए मुआवजा, किसानों के जो केस हुए उनको वापस करने, और जिन जिन किसानों के परिवारों को कोई ना कोई उनमें से शहीद हुआ है उनके परिवारों को नौकरी दिया जाना भी इसके अंदर शामिल है। तो इस तरह की कई मांगे हैं जो कि किसान मुख्य तौर पर मांग रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ देखिए हरसिमरत, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से और एहतियातन यहाँ पर बरतने को लेकर इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है, धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है। कितना असर देखने को मिल रहा है क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद होने से आमजन को काफी परेशानी हो रही है? बिल्कुल, आमजन को तो खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जब भी सरकार और जथेबंदियों के बीच टकराव होता है तो इसमें पिस्ता आमजन ही है। बात की जाए अगर हरियाणा की तो हरियाणा में जरूर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, धारा 144 लगाई गई है, पर जो इलाके इसके साथ लगते हैं, चाहे वो हरियाणा के लगते हैं चाहे वो पंजाब के लगते हैं, वहां के लोगों को भी सफर करना पड़ रहा है, उनको भी जो है इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों की परेशानी इतनी बड़ी हुई है कि अगर अब की बात की जाए तो जिस तरह से फरवरी चल रहा है तो प्री बोर्ड के एग्जाम की तैयारी शुरू हो जाती है, आगे मार्च में एग्जाम है, ऐसे में स्टूडेंट्स भी काफी परेशान हैं। और आजकल जिस तरह सभी जानते हैं कि इंटरनेट का युग है तो ज्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन होते हैं, ज्यादातर काम जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से होते हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरसिमरत, साथ ही भारत बंद का ऐलान भी यहाँ पर किया जा सकता है, उसके बारे में भी खबर मिली है, उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? भारत बंद का ऐलान मैं आपको बताऊं कि जो किया गया है वो उसके जो भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा जो राजनीतिक है उसके द्वारा ये ऐलान किया गया है कि अगर दिल्ली कूच करते हैं किसान और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। आपको ये बता दें कि 13 फरवरी को जो गैर राजनीतिक ग्रुप है संयुक्त किसान मोर्चा का उसने ये आह्वान दिया है, और 16 के लिए राजनीतिक ग्रुप है जो संयुक्त किसान मोर्चा का उसने जो है भारत बंद के लिए कॉल दी है। और आपको ये बता दें कि एक तरफ जो किसान है वो 13 फरवरी को कूच करना चाहते हैं, ऐसे में किसान भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक ग्रुप है जो कि 16 को कॉल दे रहा है भारत बंद की, और एक गैर राजनीतिक ग्रुप है जो कि 13 फरवरी को कूच का ऐलान कर रहा है। ऐसे में एक दूसरे का समर्थन जो है देना भी चाहते हैं पर अपने अपने ढंग से देना चाहते हैं। तो किसानों की जो कॉल है गैर राजनीतिक ग्रुप की उसकी 13 की आई है और वो कूच करेंगे, और राजनीतिक ग्रुप की 16 की आई है जो कि भारत बंद का ऐलान करके बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, साथ ही साथ हरसिमरत अगर यहाँ पर जाना चाहे, क्योंकि देखिए अब जो 2024 के जो चुनाव है वो नजदीक है, अगर चुनाव की दृष्टि से देखा जाए, राजनीति के तौर पर देखा जाए तो क्या कुछ कहा जा सकता है, कितना असर इसका देखने को मिल सकता है किसान आंदोलन का? बिल्कुल, आपको बताएं कि अगर ये जाना पड़ सकता है, अगर कूच की जा सकती है किसानों की तरफ से तो काफी बड़ा नुकसान जो है वो सरकारों को जरूर उठाना पड़ेगा। मैं आपको इसके दो पहलू समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज की मीटिंग की जो शाम को होनी है, तो इसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि किसानों को कहीं ना कहीं आश्वासन देकर के उनकी जो मांगे हैं उन पर सहमति बना करके रोकने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि लोकसभा चुनाव है आगे, ऐसे में पंजाब ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूत्रधार का काम किया केंद्र और किसानों के बीच, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसान कूच करते हैं तो हम रोकेंगे नहीं, हम किसी बॉर्डर पर इनको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, इसलिए कहीं पर बैरिकेड नहीं लगाए गए पंजाब साइड में। तो ऐसे में पंजाब की आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार इस समय बिल्कुल सही और बिल्कुल साफ अपने आप को कर बैठी है कि उनकी तरफ से किसान नहीं रोके जाएंगे। पर दूसरी तरफ बात की जाए तो हरियाणा में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, जैसे मैंने बताया कि 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस फोर्स लगाई गई है, मिलिट्री फोर्स लगाई गई है और बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस भी मौजूद है और टेम्परेरी जेल तक बनाई गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है तो पार्टी के प्रति लोगों के मन में, किसानों के मन में जो है रोष पैदा हो सकता है। लोग जो पहले ही सफर कर रहे हैं इस चीज से, लोग पहले ही प्रभावित हैं, और दूसरी तरफ जो किसान है जो जाना चाहते हैं, अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाना चाहते हैं दिल्ली तक, तो उनके ऊपर भी जो काफी प्रेशर हो सकता है। तो ऐसे में उनके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में ये नेगेटिव साबित हो सकता है।